अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जा रहे हैं सेवन शरीफ और ये सोराब बोर्ड की पुल के ऊपर हम खड़े हुए हैं। यहाँ से हमें बस लेनी है और ये देखें, हाथ तो छोड़ ये देखेंगे इस तरफ का व्यू कि बहुत ही मज़ा आएगा। पुल के ऊपर है हम, ये देखें पुल के ऊपर जा रहे हैं हम। बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह, जितना भी होगा हम आपको दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। हम इस गाड़ी पे जा रहे हैं, सेवन शरीफ जाएंगे अभी। ये आला आसिफ की पुल है, यहाँ पे खड़े हुए हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, उनको लेकर ही जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ये इस वाली बस पे हम जाएंगे।
ये देखें दरिया कैसे ठाटे मार रहा है, कश्तियां भी खड़ी हुई है लाइन से। बड़े नहीं भैया बना रही हूँ। ये देखें कैसा वीआईपी बना हुआ है, ये सब का सब। घंटा
शोरों में है। इतना बड़ा इसको, ये देखो जाम शोरों का टोल प्लाजा है ये।
गाड़ी से। ये एक मेरी गाड़ी है, इधर आ जाओ ना पहले। तो ये व्यूअर्स हम सेवन पे पहुंच चुके हैं। ये सेवन शरीफ के दरबार के बाहर जो है ना वो बाजार है ये यहाँ की। आपको जो चाहिए यहाँ सब अवेलेबल है, सब मिल जाएगा। ये देखिए कैसी प्यारी प्यारी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें तरफाल व्यूअर्स। अब ये देख रहे हैं हम इस रास्ते से जा रहे हैं दूसरे गेट की तरफ, क्योंकि हमारे जो साथी हैं लोग बहुत हमसे अलग हो गए, उनको ढूंढ रहे हैं हम लोग। सुबह 8 बजे के निकले थे, 1 बजे पहुंचे, यहाँ पे अजान हो रही है। व्यूअर्स यहाँ लंगर बंट रहा है, ये इनका गेट है, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं तो वहाँ वो हमारी फैमिली वेट कर रही है। फ्रेंड्स हम सेवन शरीफ आ चुके हैं, कलंदर शहबाज की मज़ार के बाहर का व्यू दिखा रहे हैं आपको। यहाँ रश देखें कैसा हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। ये दिन के 1 बजे का टाइम है और इतना सारा रश हो रहा है यहाँ पे, शाम को तो और बढ़ जाते हैं। अभी अंदर जाएंगे, अंदर का भी दिखाएंगे आप। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अभी। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा बना हुआ है। ये आलम है, ये गोल्ड का दरवाजा जो पूरा गया। 1 सेकंड किधर, ये गोल्ड का दरवाजा जो बेनजीर ने लगवाया था। हम यहाँ आ चुके हैं बाजार, वो बाजार कह रही हूँ सॉरी, कलंदर शहबाज की मज़ार पर। अभी हम नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियाँ, तो उनकी तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जहाँ मज़ार है वहाँ जा रहे हैं हम।
बहुत दिन से क्या करिए अरे वो आंटी को टक्कर लग गई जो 500,000 भी अंदर बन रहे पैसा ला रहे थे ना यार व्यूअर्स ये जो खड़ा हुआ ये कहता 500 या 1,000 रुपये तो फिर जाने दूंगा ऐसे नहीं जाने दूंगा। देख रहे हो आजकल का ज़माना भलाई का ज़माना ही नहीं रहा यार है ना जाजू। और ये है बाहर का रास्ता व्यूअर्स इधर से बाहर से आते हैं व्यूअर्स से मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। हम यहाँ आ चुके हैं हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर। ये उनकी मज़ार है जो ये जाली बनी हुई है इनके अंदर है और जो है ना वीडियो बनाई है मैंने बेटे से बनवाई है। अभी मैंने अपनी खुद के बाद क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरी छोटी बहन है नंद है उसकी भी, तो हमें अपने आप को संभालना मुश्किल पड़ जाता है इसलिए मैंने उसको दे दी मैंने वीडियो बना लेना।
नहीं करो। व्यूअर्स, ये लस्सी वाला है, अभी हम यहाँ से लस्सी लेंगे और पियेंगे, बहुत गर्मी है आज। ये बाजार देखें, सेवा शरीफ हम आए हुए हैं तो उनके बाइक साइड की तरफ ये बाजार लगा हुआ है सारा। यहाँ पे चादरें मिल रही हैं, सिंधी चादरें, चूड़ियाँ, मिठाई, ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की जो तबर्रुक में लेके जाते हैं चीज़ें ना, तो ये वो चीज़ें हैं। ये देखें चादरें वादरें, सारी चीज़ें खाने की। ओए तो क्यूट रखे हो डैडी के डैडी में। पागल हो यो असा तेरे प्यू नाल ऐसे ही कहना। ये रात में शाम में ज्यादा रौनक होती है, इस वक्त धूप इतनी हो रही है तो जाहिर सी बात है गर्मी का टाइम है, बस यही दुकानें खुली हुई हैं और कोई भी नहीं। यहाँ पे ज्यादातर सिंधी बोली जाती है, जो हम मुझे तो नहीं आती है सिंधी, लेकिन मेरे मियाँ को आती है, मुझे नहीं आती सिंधी। ये चादरें वादरें, बटे बटे सिंधी कपड़े, सिंधी सारी सिंधी चीजें, सिंध में है तो सिंधी चीजें मिलेंगी ना। सरे की चादर दी बेइज्जती। हम यहाँ बाजार में आए हुए बोधले बाहर के मज़ार की तरफ जा रहे हैं और यहाँ ये अलग अलग चीज़ों की दुकानें लगी हुई हैं, करियाना की दुकानें और इस तरह की चीज़ें, और ये पकौड़े तले जा रहे हैं, फ्राई किए जा रहे हैं, और यहाँ तंदूर पर रोटी पक रही है। ये बेचारा डॉगी सो रहा है, पीछे से डॉगी स्पीड में आ रहे हैं, पीछे से रिक्शा स्पीड में आ रही है। ये बच्चों के खिलौने वगैरह, ये बच्चा बेचारा कोई काम कर रहा है। ये देखें, ये मजार पे चढ़ाने के लिए जो चादरें होती है ये वो मिलती है यहाँ पे, ये तबर्रुक के लिए, घर के लिए चीज़ें जो बच्चों के लिए या किसी को देने के लिए ले जाते हैं वो चीज़ें हैं। ये चादरें हैं सारी, ये बोले बाहर के मज़ार के बाहर की तरफ, ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इधर बच्चा बैठा हुआ है, ये सारी दुकानें।
यहाँ फूल मिलते हैं, ये बच्चा है, ये देखें। हाँ मेरा बच्चा अभी लेंगे, सबर कर। ये देखें इतना। हाँ जल, ये बोधले बहार की मज़ार है, या ये हज़रत लाल सफ़ाद कलंदर के खलीफे की दरबार है, जो उनके बहुत प्यारे मुरीद थे, ये उनकी दरबार है। गुड़िया। अच्छा अम्मा अब्बा, ये अलम लगा हुआ है बोधले बहार की आस्थाने पर, ये उनकी मज़ार है। ये बहुत ही ख़ास मुरीद हैं हज़रत लाल शाहबाज कलंदर के, और ये भी होंगे। अब इनके बारे में मैं जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, तो हैं भी ये भी अल्लाह के वली। ये उनके मुरीद की मज़ार है, अब तो हज़रत लाल शाहबाज कलंदर का बहुत प्यारा मुरीद था बोधले बहार। ये वहाँ पर देखें उनकी तस्वीरें दोनों की लगी, जूम करके दिखाती हूँ उस तरफ से। तो आदि मैं पिछू को नु बड़ा के दम एक मिनट पे रह जा, इवे ना छोड़ी का फ्रेंड्स। इसके बारे में बताते हैं कि ये बस्ती को उल्टा किया था हजरत लाल शाहबाज कलंदर ने, लेकिन मैं इस बात को मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि अल्लाह के वली किसी का बुरा नहीं चाहते। अल्लाह के वली जो होते हैं ना, वो मासूम बच्चों की जान नहीं लेते। मासूम बच्चों की जान नहीं लेते अल्लाह के वली। और दूसरा ये कि उसमें जो बस्ती का कहा जाता है कि कल्टी करा था उन्होंने, उसमें छोटे बच्चे होंगे, बूढ़ी औरतें होंगी, इस तरह की ये सारे वो होंगे। तो मैं ये बातें बहुत ही, मतलब मुझे थोड़ा अलग लगता है। मैं दिखाती हूँ आपको वो वाली बस्ती जिसके बारे में सब लोग ऐसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो है जगह जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह के वली ने कल्टी करा था इसको, लेकिन मैं नहीं मानती। और तो इन लोगों ने किले विले बना दिए, पता नहीं क्या क्या बना दिए। ये बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए रास्ता बना हुआ है। तो आप अगर इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा, क्योंकि मैं तो नहीं मानती हूँ इस बात को कि अल्लाह का वली मासूम बच्चों के साथ, औरतों के साथ बुरा कर सकते। नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए ये बन रहा है, कुछ बना रहे हैं ये लोग, मजदूर लगे हुए हैं। क्या बन रहा है पता नहीं। ये बन रहा है कुछ, नहीं समझ आ रहा क्या बना रहे हैं, किला बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। ना खूबसूरत खूबसूरत, फिर मजदूर लगे हुए हैं। Thank you.
धूप है इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, सूरज पड़ रहा है सामने। पता नहीं क्या बना रही है, बच्चे खेल रहे, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। मैं तो थक गई, बुरे तरीके से थक गई बाबा, और ऊपर से सर में इतना दर्द है, सर फटे जा रहा है मेरा दर्द से। और बताएं फ्रेंड्स, बताएं ये पीछे जो है वो ये जगह बनी हुई है सारी, जिसका वो मेरे मियाँ आ रहे हैं आगे क्या। हाँ। ये मीनारा बनी है, ये मेरा मियाँ और अब्दुलरऊफ ये जा रहा है। हेलो अब्दुलरऊफ, हम बहुत थक गए फ्रेंड्स। वो दरिया है सुखा भी, बैठे चाय पी रहे थे तो ये पैसे यहाँ से जा रही है, पैसे भी पैसे भी उतर चार बार। फ्रेंड्स अब अभी मैदान से होके हम फारिग होके दुआ वुआ मांग के हम जा रहे हैं घर वापस। अभी हम आपको इस गली का भी वो दिखाते हैं व्यू कैसी लग रही है, गली जाते हुए हम कैसे लग रहे हैं। बहुत ज्यादा बस खराब हो गई, बस के अंदर बैठे हुए थे, नीचे उतर आए हम, जाम शोरों पे आए हुए हैं, जाम शोरों पे गाड़ी खराब हो गई हमारी। रात का टाइम कोई मेरे ख्याल से साढ़े टाइम क्या हो रहा है, आठ बज रहे हैं, 8:05 हो गए और हम जाम शोरों पे अटके हुए हैं, गाड़ी खराब हो गई। व्यूअर्स ये गाड़ी का हाल पूरा खराब हुआ हुआ है और इस गाड़ी ने हमें 2 बार रोका है। पता नहीं आज हमने जिंदगी में कौन सा गुनाह किया था कि यहाँ पे हमें आके फंसना पड़ा, और ये हमारी पूरी फैमिली है। अभी इस गाड़ी से उतरे हम, अभी मेरे ख्याल से 12 बजने वाले हैं रात के, या लास्ट शिफ्ट में आके उतरे हम सेवन से देखते आपकी अभी नोट है। वाली गाड़ी पे थे मनुष गाड़ी।